प्रवाह पावितस्थले घरेवलं व्यलंबिताम्बुजङ्गमुखबालिकां ढमट्ठमट्ठमन्निनादमट्ठमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। अपने अजीबो गरीब कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले लालू यादव के बड़े बेटे व बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार सावन में वह पूरी तरह से शिव रूप धारण कर बाबा धाम पहुँचे। तेज प्रताप अपने 50 से ज़्यादा लोगों के साथ देवघर बाबा मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्हें कोई VIP सुविधा नहीं मिली थी। इससे वह काफ़ी नाराज़ भी दिखे। उन्हें अंदर जाकर जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिला, वह बाहर से जल चढ़ाकर वापस आ गए। तेज प्रताप ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि मैं शिव भक्त हूँ और बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने आया हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में बिहार में बड़ा बदलाव होगा, सभी सुखी रहें और बिहार झारखंड में सरकार बदल जाए, उनकी यही कामना है। हालांकि इस दौरान पूजा का उद्देश्य पूछे जाने पर भी तेज प्रताप ने कुछ भी बोलने से परहेज किया, लेकिन जब तेज प्रताप यादव से व्यवस्था पर सवाल किया गया तो रघुवर दास पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मेले की व्यवस्था सही नहीं है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, जहाँ तहाँ गंदगी है और श्रद्धालुओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। साथ ही उन्होंने खुद को जल अर्पण करने के लिए हुई असुविधा को बताया और ना ही आम श्रद्धालुओं को कोई सुविधा दी जा रही है। मीडिया के सवालों का तेज प्रताप ने बड़े भक्ति और निराले अंदाज में जवाब दिया। बातचीत के बाद वो बार बार हाथ उठाकर जय बाबा भोलेनाथ कह रहे थे। इतना ही नहीं, अपने निराले अंदाज में तेज प्रताप ने संकल्प पूजन के बाद भस्म नहीं मिलने पर दूसरे कांवरिया व पंडा से मांग कर भस्म को माथे पर लगा लिया। इससे पहले रविवार को बाबा भोले का वेश धारण कर सुल्तानगंज पहुँचे थे। दोपहर बाद उन्होंने अपने सहयोगी संग कई कांवरिया जत्थे के साथ पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्नान कर गंगा जल भरा और गंगा पूजन के बाद सबसे पहले अपनी माँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से वीडियो कॉल कर आशीर्वाद लिया और जल संकल्प की हर गतिविधि वीडियो कॉल के द्वारा माँ को दिखाया। माँ राबड़ी देवी ने भी बेटे को आशीर्वाद दिया। ये साफ समय नहीं है, अभी हम लोग को जल चढ़ाने का मौका नहीं मिला है। क्या मानते हैं झारखंड सरकार निकम्मी हो गई है? भैया क्या मानते हैं झारखंड सरकार निकम्मी हो गई है? झारखंड सरकार नहीं चाहती है कि तेज प्रताप जल चढ़ाए। अच्छा, और बिहार सरकार? हम जल चढ़ा के रहेंगे। नीचे था नीचे बिहार के लिए मांगा कि बिहार का उज्ज्वल भविष्य हो और जो आज अब सभी जो शक्ति बिहार में आज झारखंड में डेरा बनाए उनका सब आया हो। यहाँ क्या घंटे